रैपिड आंसर शुरू करने वाले हैं सबके सामने. सो वन वर्ड में आपको रिएक्ट करना है. तो उसी सबसे पहले आप एंड देन उसके बाद आप. ओके ऑलराइट. वन बाय वन. फेसबुक वन टाइम पास. अवार्ड्स मिला नहीं अभी. फ्रेंड्स किस किस सेक्स लंदन. रैपर्स स्वैगर नाइस. वर्किंग इन डेली सोप्स पका हुआ. बोरिंग. अगर आप एक दिन रुकते हो और आपकी नाचन करते आप मीठा पाजी बन सकते हो. सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? तो मैं ऐसा कैम उतारूंगा, बाल बनूंगा, सामान लगाएंगे. विक्का भाई, अरे हमारे सुपरस्टार विक्का भाई के लिए मैं सबसे पहले उतर के अपनी वॉलेट उतर के हमारे को साफ करूंगा. दैट्स नाइस. ओके नेक्स्ट डे अगर आप उठते हो आपने देखा हनी सिंह बन गए. सो तो मैं एक फोन लगाऊंगा जिस लड़की के लिए मेरे दिल में फीलिंग है और उसको बोलूंगा एक काम कर, अपने बाप को फोन कर. हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं. आई लव दिस रैप ऑफ हनी सिंह, इज एन अमेजिंगली टैलेंटेड गाय, बट स्पेशली आई लव दिस रैप. सुपर. एंड यू इफ यू वेक अप एज हनी सिंह वन डे मैं उर्वशी रोलक को प्रपोज करूंगा. ओके अगले दिन आप उठे सुबह और आपने देखा आप बच गए तो ये नहीं लगता. पहली चीज में सबसे पहले उठ के दो छुट्टियां बांध दूंगा. आई लव लता, जो लता जी जिस तरह से दो छोटी बाकी शुरू से लेके अब तक उनका एक ही स्टाइल और द वे शी परफॉर्म द वे शी सिंग. वाओ. एंड व्हाट विल यू डू? मैं सबसे पहला काम करूंगा बिकॉज आई एम श्योर शी इज हमारी खुद की देवी माता है. अगर मैं लता जी बन जाऊंगी तो मैं सबसे पहले उठ के अपने लिए एक गाना गाऊंगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू आस्क, अगर आप बेटे में हो कि मेरे सिस्टर ने बन जाए. मैं सबसे पहले अपनी तुमने बोल दिया. He's a true swagger, मतलब इस तरह का उनका स्टाइल है, वो अपने स्टाइल के करते हैं. मैं सबसे पहले उठ के अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे स्टूडियोज में आते हैं, वेरी ओपन आते रहते हैं हमारे गाने चुनने के लिए. सबसे पहले उठ के ये काम करूंगा तो उठ के बोलूंगा सर ये सुपर हिट है, माना मैं आपको बोलता हूँ गाना लेके जाओ, ये गाना सुपर हिट है सर, इस गाने से बड़ा गाना सर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गाना मैंने बनाया, जो गाना सर मैं बनाता हूँ गाना सुपर हिट होता है सर माने. अगर ये लोग सिंगिंग इंडस्ट्री में नहीं होते तो कौन सी इंडस्ट्री में होते? प्रीतम दा. प्रीतम दा अगर सिंगर नहीं होते तो मेरे ख्याल में वो किसी थेरेपी में काम कर रहे होते. अगर प्रीतम दा सिंगर नहीं होते तो वो शायद अमेरिका में यूट्यूब कंपनी के साथ बैठकर वहां से गाने. ओके मीट ब्रोस. अगर सिंगर नहीं होते तो डेफिनेटली अपने डैडी की जो उनकी जो शराब की फैक्ट्री है वहां पर कुछ काम कर रहे होते दोनों भाई. मीट ब्रोस अगर सिंगर नहीं होते तो वो दोनों शायद किसी डेली सोप में एक्टिंग कर रहे होते हैं. अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो वो डेफिनेटली गुंडे होते. अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो वो रेसर होते, हार्ली डेविडसन चला रहे होते. अच्छा इन लोगों को अभी आप नॉर्मल होके कर सकते हो. ये वाला जो लास्ट वाला सेगमेंट है यू कैन बी लाइक एक्चुअली योरसेल्फ एंड बी नॉर्मल. सो इनमें इन लोगों को आप क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे? बादशाह के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है, थोड़ा सा वेट कम करने मेरी जान तो रॉक स्टार है. ओके रफ्तार. रफ्तार के लिए एडवाइस है यू आर अ फैंटास्टिक रैपर, बहुत अलग स्टाइल है तुम्हारी लिरिक्स में, बट यू नीड टू क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ रैपिंग. रफ्तार बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ेगा और ऐसा भागेगा. दिस इज माई ब्लेसिंग टू यू ब्रदर एंड ऑल द बेस्ट. इमरान हाशमी थोड़ा शर्माना छोड़ दीजिए, आप स्क्रीन पर बहुत ही कमाल है बट नॉर्मल लाइफ में बिकॉज आई नो पर्सनली इज अ वेरी शाय रियली जस्ट वेरी शाय वेरी शाय. इमरान हाशमी अगर पपिया वाले साहब का दिल भरेगा तो थोड़ा बहुत हमें भी चांस मिलता है. हम भी पपिया वाले. वुड यू लाइक टू डू एक्टिंग सुपर स्टार खान? कुछ बदलने जैसा नहीं है, औकात ही नहीं, कुछ राज नहीं है. खान साहब प्लीज आप नीचे मत के आप मत के दिमाग और मियां वाली दे रही वो लेकिन जाने से पहले पता है ना क्या करते हैं.
So let's do this. Thank you, people. I love you all. I love Sarit and Tushy. Thank you. Decide, no? Yeah. Decide, tell them, huh? Sarit. All right, bye. Thank you, people.